अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद एक बच्चा जो है वो टैबलेट को जुड़ा हुआ है। तलहा हेलो करे और बाकी बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ। यमुना इधर आओ, ये देखे, ये यमुना है माय प्रिंसेस, है ना यमुना? ऐसे करो, ऐसे बाय। अच्छा जी, तो व्यूअर्स, नाश्ता करने के बाद बच्चों की फरमाइश थी 2 दिन से कि हमें मफिन चाहिए। पिछले 3-4 दिन पहले भी मैंने इसको इनको बना के दिए थे, तो अब फिर उनको चाहिए थे। तो अब मैंने 2 अंडे लेके, तो उसके अंदर ये वाला कप लेके, क्वार्टर कप ये चीनी मैंने डाल दी है। फुल भर के नहीं डाली क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं और खाए नहीं जाते। और 2 अंडे लेके चीनी डाल के, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि चीनी खुद ही मेल्ट हो जाए। मेरा दिल है कि मैं ये हैंड जो मिक्सर है इससे एक बना लूं, दूसरी मशीन मुझे ना ही चलानी पड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर चीनी डाल के छोड़ देती हूँ, खुद ही मेल्ट हो जाएगी और बाकी फिर चीज़ें बाद में इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ 5-10 मिनट के बाद। तो दोपहर के लंच में मेरा मूड है आज कढ़ी बनाने का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कढ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले मौजूद है, अगर आपको देखनी हो तो वहाँ। ये देखें कमरे के हालात देखें। यमुना ये क्या किया हुआ है? ये सारी जो उसकी डॉल्स हैं उनके कपड़े उतार के तो फेंक देती हैं दोनों बहनें। इधर आए फाफ, आपके गाइस जो है वो आपको बुला रहे हैं। इधर सामने, इधर इधर ही खड़ी हो, ऐसे नजर आ रहे। अस्सलाम वालेकुम बोलो। सही से पूछे क्या हाल है आप सबके? मैं ठीक हूं। नहीं, आपने पूछना है क्या हाल है आप सबके। फाफ को भी ये नहीं आता इतना बोलना। और किचन में एक बच्चा घुस गया चीजें गिराने के लिए, ये देखें। बस मैं किचन से निकलूं और यमुना को मौका मिल जाता है। यमुना अच्छा जी, ये तो ये जो मैंने 2 अंडे और चीनी मिक्स करके रखी थी, इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी ताकि जो चीनी के दाने हैं वो इसके अंदर ना रहें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल, ये वाला 1/2 कप। लिक्विड चीजें सारी इकट्ठी डाल के, तो उनको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो फिर बाद में जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको मैं मिक्स कर लूंगी। तो जी, वो मिक्सर बनाने तक मैंने सोचा पहले जो है वो ओवन प्री हीट कर दूं, 150 इसका टेम्परेचर है, और ऊपर वाला सिर्फ मैं रॉड ऑन करूंगी और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दूंगी। ये इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा, ये 500 ग्राम है, तो 1 कप अगर आपने मिक्सचर बनाना हो बेकिंग के लिए मफिन का या केक का, तो उसके अंदर ये 1 काफी होता है। ये इसके अंदर 1 कप मैंने मैदा डाला है, जो कि वीडियो में शायद नहीं आया, तो ये मैदा है जो आपको नजर आ रहा है साथ। के अंदर थोड़ा सा दूध जाएगा, इसमें से मैं 1/2 मिक्सचर निकाल लूंगी और उसके अंदर कोको पाउडर डालूंगी।
और उसके दूसरे के अंदर ये कोको पाउडर डालूंगी बाग का काओ। तो ये देखें जी बेक हो चुके हैं, 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकालूंगी यहाँ से। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने कढ़ी बनाने के लिए जो बेसिक मसाला होता है हर हंडिया का वो ही बनेगा। एक छोटा सा मैंने प्याज लिया, उसको ऑयल के अंदर डाला, ये लाइट गोल्डन होगा तो इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी जाएगी, और कढ़ी के अंदर इससे ज्यादा और कोई मसाले नहीं जाते, नमक मिर्च और हल्दी। और इसके अंदर है आधा टमाटर, 3 जमे लहसुन के, 1 पीस अदरक का और 3 मिर्चें। मैंने थोड़ी सी कड़ी बनानी है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने ली हैं। अब इसके अंदर जाएगा नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और अब इसके अंदर ये जाएंगी जैसे टमाटर, लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चें। अच्छा जी, यहाँ कढ़ी मेरी हो गई है रेडी, ऊपर मैंने धनिया भी काट के डाल दिया है। और अब आधे घंटे के बाद मैं दोपहर की रोटियाँ बनाऊंगी, 2 बजे आते हैं मियाँ साहब, तो फिर उस टाइम बनेंगी रोटियाँ, लंच होगा और फिर बाकी काम बाद में। अच्छा जी, तो व्यूअर्स, दोपहर का खाना खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी लेने। जो हमारे घर के सामने लिडल है वो कोई 5-6 महीनों के लिए बंद उन्होंने किया है, कुछ अंदर से उन्होंने चेंजिंग करनी थी तो वो कुछ महीने बंद रहेगा। तो हमारे घर से 5-7 मिनट लगते हैं जाते हुए, आईडी स्टोर है वहाँ से मैं चीज़ें कुछ लेने जा रही हूँ। वीकेंड पे तो मस्त एक दफ़ा ग्रोसरी करनी ही पड़ती है क्योंकि संडे को तो कोई स्टोर नहीं ओपन होता, तो बच्चे अगर स्कूल जाते हों तो फिर अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो मसला होता है उनको, साथ खाने के लिए चीज़ें देनी होती हैं। और बच्चे मेरे छोटे हैं तो दूध तो हर टाइम घर में होना मस्ट होता है, तो और भी जो जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी वो मैं ले आऊँगी। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ये है शाम का टाइम, 7 बजे हैं, तो बच्चों को इस टाइम मैं देने लगी हूँ सीरियल, ये वाले सीरियल आईडी से मैं लेके आई थी। वैसे तो पहले लिडल से लेती थी इसी तरह के सेम, तो लिडल पे मैं गई थी वहां से। युमना इधर देखे, युमना हेलो आइए जी, आप भी आइए। ये आपका बेबी है जो कि हर टाइम साथ रखती है, किंडरगार्टन भी लेके जाती है और वॉशरूम में जाए तो वहां भी लेके जाती है, हर टाइम साथ होता है। और ये है तलहा ने भी, एक जो ऑटो है वो साथ होती है इसके हर टाइम किंडरगार्टन। ये टका रही हूँ ना, मुंह में नहीं डाल, छोड़ो। अब शाम का टाइम है तो सब फिर रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो ये अब शाम का टाइम है तो बच्चों को मैं दूंगी कुछ खाने के लिए। और ये 8 बजे इनको मैं ले जाती हूँ बेड पे सोने के लिए, और फिर आधे घंटे के अंदर अंदर ये सो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।